सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में आप पार्टी सांसद संजय सिंह ने दिल्ली का मुद्दा उठाया। संजय सिंह इस वक्त हमारे साथ, संजय जी आप क्या बोल रहे थे उस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, दिल्ली सरकार को काम करने दीजिए? देखिए, लोकतंत्र की अगर हम रक्षा नहीं कर पाएंगे तो सदन का कोई मतलब नहीं है, सत्र का कोई मतलब नहीं है, सांसद होने का कोई मतलब नहीं है। तो मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने यही विषय रखा कि दिल्ली में अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, उसके बावजूद हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है, रोज रोड़े अटकाए जाते हैं, हम क्या गुनाह कर रहे हैं? राशन की होम डिलीवरी करना हम चाहते हैं, सीसीटीवी कैमरे हम लगवाना चाहते हैं, हम दिल्ली के अंदर स्कूल और हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं, और आप जो है हर दिन हमारे काम में रोड़ा अटकाते हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैंने कहा कि भाई एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप 3.5 घंटे दरोगा से जांच कराएंगे, ये ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलेगा, ये ठीक बात नहीं। सरकार कह रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, और आप पार्टी जिसके लिए जानी जाती है वो यहाँ वो तरीका आजमा रही थी, मीडिया के जरिए अपनी बात रख रही थी। नहीं तो कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, जेल में जाके रखेंगे या सुरंग में जाके रखेंगे, कहाँ रखेंगे? अगर हम प्रधानमंत्री के सामने, देश के प्रधानमंत्री के सामने, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ की स्थिति नहीं रख सकते हैं तो फिर कहाँ रखेंगे? सदन में इस मुद्दे पर क्या आप पार्टी की रणनीति रहेगी, क्या वो मुद्दे उठाने वाली है? देखिए, सदन में हमारा मुद्दा मुख्य रूप से दिल्ली का विषय रहेगा, पंजाब का विषय रहेगा, और देश के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, वो चाहे तमाम जो विषय हैं उन सारे विषयों को हम लोग रखेंगे। महिला सुरक्षा का सवाल है, कश्मीर का सवाल है, लिंचिंग का सवाल है, दलितों के आरक्षण पर और दलितों की जो सुरक्षा पर खतरा पैदा हो गया है उसका जो सवाल है वो सारे भी सर। संजय जी, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विपक्ष एकजुटता बना रहा है अपनी, लेकिन आप पार्टी अलग थलग दिख रही है, विपक्ष ने बैठक बुलाई थी आप नहीं थे। देखिए, विपक्ष की बैठक में कल मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था दिल्ली में, इस वजह से नहीं आ पाया, लेकिन जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ने हमारा साथ दिया, हमने उनका आभार, आज प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में भी हमने उनका आभार व्यक्त किया, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का रवैया है वो दिल्ली को लेकर उनका भी रवैया सौतेला रवैया है, और ये ठीक बात नहीं है। हम पांडिचेरी पर बोलते हैं, हम अरुणाचल पर बोलते हैं, हम गोवा मणिपुर पर बोलते हैं, उत्तराखंड पर बोलते हैं, और आप दिल्ली सिर्फ इसलिए कि वहाँ आम आदमी पार्टी है इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर अलग थलग होकर रहेगी तो वो भी ठीक नहीं है, मैंने बोला इस बात को। धन्यवाद बात करने के लिए। और आप पार्टी सांसद संजय सिंह ने सर्वदलीय बैठक में जो सरकार ने बुलाई थी संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसमें दिल्ली का मुद्दा उठाया है, सियासत गर्मा दी है। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।